स्टूडेंट्स <coughs> हमारे फ़ाइव चैप्टर कंप्लीट हो गए थे आज हम सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका नाम है फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस तो आप सब बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पर आ जाइए पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पर हमारा सिक्स चैप्टर है फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले हम कुछ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए फिज़िकल चेंज का मतलब क्या होता है फिज़िकल चेंज का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं अगेन एन अगेन ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है और आप उसको स्ट्रेच करते हैं खींचते हैं तो क्या होगा उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी आप ऐसा कितनी बार कर सकते हैं आप ऐसा बहुत बार कर सकते हैं तो ये क्या है फिज़िकल चेंज जैसे आपकी फुल स्लीप की शर्ट है आप उसकी स्लीप्स फोल्ड कर सकते हैं ठीक है और उसको अनफोल्ड कर सकते हैं कितनी बार कर सकते हैं आप ऐसा आप थाउजेंड टाइम भी कर सकते हैं और सो मेनी टाइम्स कर सकते हैं तो ये क्या होंगे फिज़िकल चेंज जैसे बेडशीट है तो बेडशीट को आप फोल्ड कर रहे हैं और उसको अनफोल्ड कर रहे हैं तो आप उसको जितनी बार फोल्ड करेंगे फिज़िकल चेंज होगा अगर आप उसको अनफोल्ड कर देंगे तो फ़िज़िकल चेंज हो जाएगा मींस फिज़िकल चेंज का क्या मतलब हुआ फ़िज़िकल चेंज का मतलब होता है ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं ठीक है फिर एक और चीज़ है केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं दे जनरली दे आर इिवर्सीबल चेंजेस मतलब वो रिवर्स नहीं होते ठीक है अब इ चेंजेस क्या होते हैं जैसे आपने क्या किया मिल्क लिया ठीक है और उससे आपने कर्ड प्रिपेयर किया तो मिल्क से क्या बन गया कर्ड ठीक है क्या अगेन कर्ड से मिल्क बन सकता है सोचो नहीं बनेगा ना एक बार दूध से दही बन गया ठीक है तो क्या दही से दूध बन जाएगा नहीं बनेगा तो ये क्या हुआ केमिकल चेंज ठीक है अब जैसे आपको पता है सीमेंट बैग होता है होता है ना सीमेंट बैग उसमें सीमेंट होता है तो हमने क्या किया सीमेंट में वाटर ऐड कर दिया आफ्टर सम टाइम इट विल सेट जम जाएगा वो क्या दोबारा से वो पाउडर्ड फॉर्म में आ सकता है नहीं आ सकता तो ये क्या हो जाएगा केमिकल चेंज ठीक है तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम अपने जो आसपास डेली लाइफ में देखते हैं उन जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबको हम ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज तो फिजिकल चेंज को हम क्या मानेंगे अ चेंज विच इज़ यूजअली रिवर्सिबल और केमिकल चेंज को क्या मानेंगे केमिकल चेंज इज़ यूजअली इिवर्सिबल ये दोनों पॉइंट आपको दोनों वर्ड आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगे न्यू वर्ड्स में तो न्यू वर्ड्स में फर्स्ट फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज एक और वर्ड है रस्टिंग अब रस्टिंग क्या होता है सिंपल मतलब होता है इसका रस्ट का जंग जंग मतलब वॉर नहीं जंग मतलब अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म एट द सरफेस ऑफ आयरन और आयरन थिंग्स ठीक है एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है ये और जो लोहे की चीज़ें होती ना उनको हम एयर और वाटर में एक्सपोज कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम दैट द मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ आयरन गेट्स रस्ट ओके और गेट्स रेड इज ब्राउन कलर्ड मटेरियल ऑन इट्स सरफेस ठीक है तो उसको रस्ट कहते हैं फिर एक गैलिवनाइजेशन अब गैलिवनाइजेशन क्या है हमको पता है आयरन गेट्स रस्ट और आयरन गेट्स डस्टिफाइड वेन इट्स एक्सपोज इन टू द एयर सो वी वॉन्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट तो वी यूज अ केमिकल प्रोसेस केमिकल रिमेंबर केमिकल केमिकल मीन्स इिवर्सिबल ओके सो वी यूज़ अ केमिकल प्रोसेस आफ्टर विच आयरन डज नॉट गेट रस्ट दैट प्रोसेस इज गैलविनाइजेशन तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कुछ ऐसा करते हैं एक केमिकल प्रोसेस केमिकल चेंज करते हैं जिससे आयरन रस्टिफाई नहीं होता ठीक है ये कुछ कॉमन न्यू वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के लिए बेसिक कीवर्ड्स बनते हैं अच्छा यू विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर इज़ फिजिकल चेंज केमिकल चेंज सम मोर केमिकल चेंजेस रस्टिंग ऑफ आयर एंड मैथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ये कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है चलिए आप सब बच्चे अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पर आ जाइए बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है ठीक है आपको इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा कुछ लैब एक्टिविटीज़ हैं जो लैब में परफॉर्म होंगी और कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय योर ओन ओनली ठीक है आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और टेक सम प्रिकॉशन यू हैव टू टेक सम हेल्प ओके विद योर पेरेंट्स और योर टीचर एंड योर फ्रेंड्स ओके एज यू नीड सो Chapter 6, Physical and Chemical Changes. Let's start. Open your book, come to the page number 66. Many changes keep occurring around us all the time. Stretching a rubber band, you in starting me. Stretching a rubber band, cooking of food, soaring of milk, dissolving of salt in water, inflating a balloon, growth of a plant, yellowing of leaves, etc. ऑल रिप्रजेंट चेंजेस देखिए कितने सारे चेंजेस हैं क्या क्या चेंजेस हैं इफ़ यू स्ट्रेच अ रबर बैंड तो दिस इज अ चेंज कुकिंग ऑफ फूड दिस इज़ अ चेंज स्टोरिंग ऑफ मिल्क दिस इज अ चेंज डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर दिस इज़ अ चेंज डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर दिस इज अ चेंज इन फ्लैटिंग ऑफ बैलून दिस इज द चेंज ग्रोथ ऑफ अ प्लांट दिस इज अ चेंज ग्रोथ ऑफ इन योर सेल्फ दिस इज द चेंज yellowing of leaves this is a change so there are so many changes are takes place ठीक है और occurring in our surrounding all represent changes so there is a activity number 1 discuss with your friend a few changes that you had noticed and list them below आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और कुछ चेंजेस के बारे में लिखना है और ऐसे चेंजेस लिखना है जो अभी तक हमने नहीं पढ़े मींस पेज नंबर 66 पर मेंशनड नहीं है ओके Come to the next page, page number 67. You have studied about reversible and irreversible changes in class 6. Okay? Actually, we have to study in class 6 reversible and irreversible changes. Reversible, reversible means repeatable, a change which is repeat 1 and 2 and 3 and so many times. And irreversible changes is आज दो चेंजेस विच कैन नॉट बी रिपीट ओके जो बार बार रिपीट हो सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस जो रिपीट नहीं हो सकते वो इन रिवर्सिबल चेंजेस यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो देखो जो सिक्स क्लास में हमने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ा है अब उसी से रिलेटेड है फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो याद रखिए फिजिकल चेंजेस इज जनरली reversible and chemical changes are usually irreversible. There are some more activity physical changes. these activity tells something about something more about physical changes activity number two take a balloon and inflated it. What do you notice does the size and shape of the balloon change? Yes, size and shape of the balloon will change after uh, inflated. Now,

तो जैसे ही आप उसको डिफ्लेट करते हैं तो जो बैलून है वो अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा ठीक है अब देखिए एट द टाइम ऑफ इनफ्लेट बैलून इज बैलून वी सेड दैट इज बैलून आफ्टर डीफ्लेट वी सेज दिस इज बैलून सो ड्यूरिंग इनफ्लैट इनफ्लैटिंग और डीफ्लेटिंग द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड नो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा दैट मीन्स इट इज़ फिजिकल चेंज activity number 3 take some water in a bowl and heat it do you see steam rising steam is water in a different form now hold a plate over the rising steam is any new substance formed in the plate पानी जब गर्म होता है देखिए वाटर की थ्री स्टेट होती हैं ये हमको पता है कौन कौन सी सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में वाटर क्या कहलाता है आइस लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट में वाटर वाटर ही होता है और गैस स्टेट जो गैसेस स्टेट होती है वाटर की उसको हम क्या बोलते हैं स्टीम स्टीम इज नथिंग बट वाटर आइस इज नथिंग बट वाटर एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर वी आर वेरी फैमिलियर विद दिस so when it gets boiling start boiling so we see steam rising and steam is the form of water और जब हम उस वेसल के ऊपर पॉट के ऊपर बॉल के ऊपर लिड रख देंगे तो क्या होगा after some time we see some droplets okay under side of the lid ठीक है और दिस ड्रॉपलेट्स आर वॉट दिज आर द कंडेंस वाटर अगेन वी कलेक्ट द दीज ड्रॉपलेट्स ओके एंड वैन वी हीट इट देन इट इज इट्स ऑल्सो राइज स्टार्ट राइजिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टीम तो बार बार ये प्रोसेस हम कर सकते हैं पानी गर्म करते हैं उससे स्टीम बनती है स्टीम कंडेंस हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए तो उसको जैसे ही आप दोबारा गर्म करेंगे तो फिर स्टीम बनेगी फुल स्टीम को कलेक्ट कर लीजिए तो ये प्रोसेस हम बार बार कर सकते हैं कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है नहीं बन रहा दैट इज फिजिकल चेंजेस हियर इन एक्टिविटी टू द बैलून एंड द स्प्रिंग शो चेंजेस इन शेप इन साइज In Activity 3, the liquid water is showing two different changes from liquid to gas and again from gas to liquid. Such changes in which substance undergoes a change in shape and size or state. Remember, such changes, aise changes in which, jisme substance undergoes, sub, jo substance hote bo hai, banate hain, आ चेंज इन शेप शेप में चेंज करते हैं इन साइज उनके साइज में चेंज होता है और स्टेट उनके स्टेट में चेंज होता है इस कॉल्ड फिजिकल चेंजेस उन्हें क्या बोलते हैं फिजिकल चेंजेस रिमेंबर नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बहुत सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं ओके ना कैमिकल चेंज Let us नाउ स्टडी फ्यू अदर चेंजेस एक्टिविटी नंबर फोर टेक टू टू थ्री शाइनी आयरन नेल्स प्लेस दैम इन अ प्लेस इन अ प्लेट outdoors. ऑब्जर्व दैम फोर फ्यू डेज वॉट डू यू नोटिस आपको क्या करना है बहुत सारी आयरन नेल्स लेना है और उनको एक प्लेट में रख के uh, किसी खुली जगह पर रख दीजिए ठीक है और कुछ दिनों बाद देखना है आपको If the weather is humid, the shiny iron nails will get rusted. Remember, shiny iron nails, okay. Before it will get rust, it is shiny or they are shiny. This change, what in the iron nails is irreversible and permanent.

नहीं है ठीक है तो ये भी कैसा चेंजेस हुआ केमिकल चेंजेस एक्टिविटी नंबर फाइव दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन लैब टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट टेन सेंटीमीटर लॉन्ग रब इट विद अ सैंड पेपर टू एक्सपोज ब्राइटली शाइनिंग मेटल होल्ड द मैग्नीशियम रिबन इन द फायर टोंग्स And heat its other end in butane flame till it catches fire. Hold the burning magnesium ribbon over a glass plate. You will observe that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and form a white residue which falls in the glass plate. Actually, the magnesium ribbon enter a chemical reaction. विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड हम क्या करते दे हैं देखिए ये जो केमिकल ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसमें ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये है टोंग एंड इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस वन दैट वन दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन ओके एंड दिस इज डेजलिंग फायर ओके चमकदार आग ठीक है एंड सम एश इज फॉर्म हियर ओके सो देयर आर फोर डिफरेंट कलर शूज फोर डिफरेंट थिंग्स इन दिस एक्टिविटी ओके सो क्या कर रहा है मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है हो. क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिमेंबर दिस इज इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा रिएक्शन में मैं करेक्ट कर देता हूँ देखिए दिस इज जस्ट मैग्नीशियम नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड सो यू विल ऑल्सो करेक्ट इन योर बुक जस्ट मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्ट प्लस मीन्स रिएक्ट ऑक्सीजन तो हम इसको रीड क्या करेंगे हम करेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और जैसा दिख रहा है अगर वैसा ही पढ़ें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अब ये जो एरो है इस एरो को क्या रीड करते हैं इट इज़ नॉट जस्ट एरो इट इज गिव्स अराइज क्या पढ़ेंगे इसको गिव्स अराइज क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अराइज मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट द पाउडरी वाइट एश मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट कलर की एश बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड formed on it, add little water to the test tube and shake well. On mixing magnesium oxide with water, a new substance called magnesium hydroxide is formed. This can be represented as. Now how will represent it? This is magnesium oxide and this is water. And magnesium oxide and water react each other and form magnesium hydroxide. Okay? दिस इज द केमिकल रिएक्शन और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है इस तरह से हम किसको शो करते है? हैं केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही हैं फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूडेड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज टर्निंग सॉरी Magnesium oxide is treating with water forms another new substance which has a different state as well composition. See, first of what is magnesium? It is a substance. Oxygen, it is a substance. They come in contact and form magnesium oxide. Magnesium oxide is new substance. It is ash. Okay. And when we treated magnesium oxide with water,

There is another activity, activity number 6. Place a clean piece of zinc granule in a test tube. Touch the bottom of the test tube. Does it feel warm? With the help of a dropper, add some dilute hydrochloric acid to the test tube. Observe the changes taking place. Do you notice bubbles of the gas coming out? These bubbles. Are of hydrogen gas. Now bring a burning candle or a matchstick near the mouth of the test tube. What happens? You will hear a pop sound, a sound which is uh, which make a pop, just like a word pop. Pop sound indicating the gas being released is hydrogen now touch the bottom of the test tube does it feel warm now heat energy is giving out when zinc combined with dilute hydrochloric acid two new substance zinc chloride which remains soluble in the solution and hydrogen gas is formed this change can be represented as zinc एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम्बाइंड एंड गेवसराइज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ओके बेटा ये वाली रिएक्शन भी गलत लिखी है बुक में मैं आपको करेक्ट करके लिख के बता देता हूँ ठीक है पहले समझ लो इस एक्टिविटी में क्या है देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है एक टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स रखने हैं ठीक है ठीके? जैसे ही हम वैन बी पुट प्लेस सम जिंक ग्रेन्यूल इन द टेस्ट ट्यूब एंड वैन बी टच इट सो वॉट वी विल फील इट 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 विल कूल और वार्म तो टेस्ट ट्यूब आपको ठंडी फील होगी नॉट वाम ओके एंड वैन बी एड सम्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमेंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सो जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सो दैट पोर्शन इज करेक्ट जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिफ्ट नॉट जिंक गिफ्ट यहां लिख रहा हूं मैं आप लोग ऐसे ही लिखेगा एरो के बाद में लिखेगा ठीक तो है इतना पोर्शन तो करेक्ट है बेटा ठीक है एरो के बाद में लिखना है आपको जिंक क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस प्लस के बाद में लिखना है हाइड्रोजन प्लस ये जो हाइड्रोक्लोरिक लिखा हो ना क्लोराइड क्लोराइड नहीं लिखना है ठीक है सिर्फ क्या लिखना है हाइड्रोजन ये जो जिंक है जिंक की जगह पे क्या लिखना है जिंक के प्लेस पे लिखना है जिंक क्लोराइड ठीक है याद रखिएगा जिंक क्लोराइड ओके सो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अब दो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं देखिए एक तो जिंक था दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इन दोनों ने रिएक्शन की तो क्या बना जिंक जिंक की जगह क्या बनेगा जिंक क्लोराइड और दूसरा सब्सटेंस क्या बनेगा हाइड्रोजन तो दो न्यू सब्सटेंस बने ठीक है इसके बाद में जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो इसका जो बॉटम है वो आपको गर्म फील होगा मींस हीट एनर्जी फॉर्म हो रही है देन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक कर सकते हैं वैन वी ब्रिंग द बर्निंग कैंडल और बर्निंग मैच स्टिक नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वी विल हियर द पॉप साउंड विच इंडिकेटिंग अ गैस हाइड्रोजन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ओके सो दिस टेल्स समथिंग मोर अबाउट केमिकल चेंजेस तो कैमिकल चेंजेस में हमने फर्स्ट थिंग क्या नोटिस की थी एन एक्टिविटी नंबर फाइव वी नोटिस दैट इन ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म वन थिंग एन एक्टिविटी नंबर सिक्स वी नोटिस दैट डूरिंग केमिकल रिएक्शन Heat is formed, okay, and come to the activity number seven. Half fill a beaker with water, add a teaspoonful of copper sulphate to it, stir it well. Copper sulphate dissolves completely, do you get a blue colored solution? Pour some of this solution in a test tube and keep it aside in a uh, test tube stand take a clean iron nail observe its color remember the clean iron nails looks shiny surface okay so observe its color place it gently in the beaker containing copper sulfate solution show in figure leave this setup for about half an hour वॉट डू यू ऑब्जर्व हैज़ द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेरेड अवे कंपेर इड विद दैम्पल यू सेव्ड इन द टेस्ट्यूब रिमूव द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज़ इट ऑल्सो चेंज्ड सो देखिए आपको क्या करना है पहले हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं दिस एक्टिविटी ऑल्सो परफॉर्मड इन स्कूल साइंस लैब ओके वी आर नॉट परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन आर होम सो हमको क्या करना है एक बीकर लेते हैं हम और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं ठीक है इनिशियली दिस सॉल्यूशन हैज़ ब्लू कलर एंड देन वी टेक द सम अमाउंट ऑफ दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन एंड कीप दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब ओके एंड दिस टेस्ट ट्यूब कीप अवे इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर टाइम अब बीकर में क्या करते हैं हम बीकर में एक शाइनी आयरन नेल पटक देते हैं रख देते हैं जेंटली हालके आराम से रख देते हैं नॉट पटकना वी प्लेस द नेल्स शाइनी आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ओके एंड वी कीप दिस सेटअप फोर Half an hour or one hour, okay. After one hour, we will see the color of copper sulphate solution is changed into reddish brown. In which color? Reddish brown, okay. Mm, not reddish brown. Uh, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज इन टू ग्रीन ओके सो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में ओके रेड इज़ ब्राउन नहीं गलत बोल दिया था मैंने ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में कब चेंज होगा जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल पटकेंगे रखेंगे उसमें और थोड़ी देर मतलब एक घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे पूरे सेटअप को तो एक घंटे बाद क्या होगा जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप एक और कंक्लूज़न निकालिए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कलर ऑल्सो चेंज ओके सो वी परफॉर्म थ्री एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंजेस इन एक्टिविटी नंबर फाइव We notice that during the chemical reaction, chemical changes, new substance is formed. In activity number 6, we learned during the chemical changes, uh, gas is evolved, and also uh, in activity number 6, we learned during the chemical changes, heat is evolved. In activity number 7, we notice that during the chemical changes, uh, color also we change. Okay, So, in chemical reaction reaction uh, chemical changes we conclude that during the chemical changes color it change and uh, or uh, color is change and new substance is formed and heat is evolved and gas is formed. So, there is so many things which tells us about chemical changes. Come to the next page, page number 69. Let us understand the reason. for the changes in color of the copper sulfate solution when a iron nail is placed in the copper sulfate solution a new substance is called ferrous sulfate is formed and copper gets deposited on the iron nail this change can be represented as अब देखिए जो कलर हुआ था कॉपर सल्फेट का वो चेंज क्यों हुआ था वो इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया था ठीक है और इस पूरे चेंजेस को हम इस रिएक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं ओके सो आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर रिलीज हुआ बेटा ये, ये रिएक्शन भी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए क्या करेक्ट करना है आपको ये जो कॉपर सल्फ़ेट है ये एक सही वर्ड है फेरस सल्फ़ेट ये भी करेक्ट है कॉपर ये भी करेक्ट है बस यहाँ आयरन सल्फेट में से सल्फेट नहीं लिखना है आपको ठीक है ये अब ये करेक्ट हो गई तो आपकी करेक्ट क्वेश्चन uh, क्या बनेगी कॉपर सल्फेट ब्लू रिएक्ट विद आयरन एंड फॉर्म फेरस सल्फेट ग्रीन ओके फेरस सल्फेट इज ग्रीन हियर इज रेड इज ब्राउन इट इज नॉट रेड इज ब्राउन इट इज ग्रीन इन कलर ओके So this is the changes when we add, we place the iron nails in copper sulfate solution. So ferrous sulfate is formed and copper is deposited on the iron nails. We found that a change has occurred in activity 4, 5, 6 and 7, a new substance is formed in each of them. So our chemical changes may be accompanied by one or more of the following. तो हम केमिकल चेंजेस को कैसे शो कर सकते हैं ये सब केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज हैं चलिए लेटेस्ट रीड अ केमिकल चेंज मे बी बाय द वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नंबर वन चेंज इन परमानेंट एंड इरिवर्सिबल नंबर टू चेंज इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट नंबर थ्री चेंज इज फॉलोड बाय द चेंज इन द स्टेट एंड कंपोजिशन नंबर फोर चेंज गिवन आउट or absorb heat, light or sound. Next, change may be rise to some kind of a smell and change may give out some gas or gases. From the above discussion, we can say that chemical changes is permanent change in which new substance are formed with different properties with the evolution and absorption of some kind of energy. Okay. तो ये केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं याद रखिए केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंजेस में स्टेट भी चेंज होती है हीट एब्ज़ॉर्ब भी हो सकती है और प्रोड्यूस भी हो सकती है लाइट भी एब्जॉर्ब हो सकती है और प्रोड्यूस हो, हो सकती है और साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है ओके कंपलसरी नहीं है कि सारी रिएक्शंस में ऐसा होगा ओके लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है कोई स्मेल फॉर्म हो सकती है और एक गैस या बहुत सारी गैसेस भी बन सकती हैं ठीक है ठीके? आज हम इतना ही रखते हैं इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे समझेंगे ठीक है तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए घर पर स्टडी कीजिए और चैप्टर रीड कीजिए और मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए ठीक है वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का तब तक के लिए गुड बाय